अगर आप सभी लोग SBI लाइफ के इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, आपको SBI लाइफ के इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड की वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिससे आपका समय बचेगा। श्रीमान समर्थ जी आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अब देखिए SBI लाइफ का यूनिट प्लस 2 जो प्लान है ये काफी पुराना प्लान है और ये जानकारी हमें एक आर्टिकल से मिल जाती है या और भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये प्लान 2010 में कंपनी लेकर के आई थी और अब चल रहा है 2024। इसलिए मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि प्लान की कंप्लीट डिटेल तो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाएगी क्योंकि हम किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं और कंपनी ने यूनिट प्लस प्लान को काफी समय पहले ही मार्केट से विड्रॉ भी कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम फंड ऑप्शन के बारे में जानेंगे, फंड परफॉर्मेंस को समझ लेंगे और चार्जेस डिटेल की भी जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे। बाकी और जो एक दो बेनिफिट है उनकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो अपने अनुसार पाने के लिए चैनल पर जुड़े रहना पड़ता है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होता है। तो आइए सबसे पहले SBI लाइफ के यूनिट प्लस प्लान के पार्शियल विड्रॉल के बेनिफिट के बारे में समझते हैं। अगर ये प्लान आपके पास है तो बीमा धारक की आयु 18 साल की होनी चाहिए और पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए तभी वो मिनिमम 5,000 रुपए का पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल का जो लिमिट है इन अ पॉलिसी ईयर वो फंड वैल्यू का 20% तक हो सकता है, बाकी ये कम ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि आगे इस प्लान में कुछ चेंजेस भी होंगे, राइट। एक साल के अंदर 2 पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं और पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान आप 5 से ज्यादा पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाते हैं, राइट। टॉप अप प्रीमियम अगर होता है 3 साल के अंदर आप कर सकते हो, मतलब 3 साल रुकोगे टॉप अप प्रीमियम के उसके बाद कर लोगे। चार्जेस की बात करें तो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगता है 50 रुपए हर महीने। फिर आता है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। पहले साल पे अगर आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 3 साल से लेके 7 साल के बीच में, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म 3rd साल से लेके 7th साल तक, आपके सालाना प्रीमियम का 12.5% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लग रहा है इस प्लान में, और 8वें साल से लेके 18वें साल तक प्रीमियम पेमेंट टर्म में हर साल आपके प्रीमियम का 15% लगता है। फिर दूसरे साल से लेकर के 5वें साल के बीच में अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 3-7 साल के बीच का है तो 3.5% सालाना प्रीमियम का। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 8 साल से लेके 18 साल के बीच का है तो पॉलिसी के दूसरे साल से लेके 5वें साल तक प्रीमियम का सालाना 4% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगता है। 6ठे साल से चार्ज नहीं लगता है और टॉप अप प्रीमियम पे 2% टॉप अप प्रीमियम का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज हमें देखने के लिए मिलता है इस प्लान में, ठीक है। अब पार्शियल विड्रॉल चार्जेस की अगर हम बात करें तो 100 रुपीज पर विड्रॉल चार्ज लगता है, लेकिन पहला पार्शियल विड्रॉल फ्री है, सेकेंड पार्शियल विड्रॉल से ये चार्ज लगना चालू होता है इस प्लान में। प्रीमियम रिडायरेक्शन का जो चार्ज है वो 100 रुपीज लग जाता है, राइट। वो भी 2 प्रीमियम रिडायरेक्शन जो होंगे वो आप फ्री कर पाएंगे, 3rd से ये चार्ज लग जाएगा। पॉलिसी में सरेंडर चार्जेस जो है वो आपके फंड वैल्यू का 5% से लेकर के 15% तक लग सकता है, डिपेंड करता है कि शुरुआत के कौन से 5 सालों के अंदर आप पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं। मोर्टेलिटी चार्ज आपको पता ही है, आपकी हेल्थ सम अश्योर्ड एज के अनुसार आपको लग रहा है, आपके पॉलिसी बॉन्ड में इसकी जानकारी भी है। अब बात आती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस की, तो सबसे पहला फंड ऑप्शन है यहाँ पे इक्विटी फंड जो 10 जनवरी 2005 में कंपनी लेकर के आई थी। इस फंड पे सालाना 1.35% एवरेज फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है और 10 जनवरी 2005 से लेके अब तक इसने अप टू 16.72% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड 21 जनवरी 2008 को कंपनी लेकर के आई। इस फंड पे भी सालाना आपके एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है, अप टू 10.62% सालाना इसने आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया ओवरऑल 2008 से लेके अब तक। हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। फिर आता है आपका ग्रोथ फंड जो कि 24 नवंबर 2005 में कंपनी ने लॉन्च किया था। 1.35% एवरेज फंड वैल्यू का सालाना आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है, अप टू 12.66% का ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। मीडियम टू हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। बात आती है बैलेंस्ड फंड की, तो बैलेंस फंड को जो है कंपनी ने 5 दिसंबर 2005 में लॉन्च किया था। इस पे आपके सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.25% फंड मैनेजमेंट चार्ज लग रहा है और अप टू 11.01% का इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा है 5 दिसंबर से लेके अब तक का। मीडियम कैटेगरी का ये फंड है। बॉन्ड फंड 10 जनवरी 2005 को कंपनी ने लॉन्च किया। एवरेज फंड वैल्यू का सालाना 1% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। 10 जनवरी 2005 से लेके अब तक 8.10% तक का इसने रिटर्न दिया है। लो टू मीडियम रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। ये रेट ऑफ रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, समय के अनुसार कम ज्यादा हो सकते हैं।
फिर आता आपका मनी मार्केट फंड जो 1 फरवरी 2006 में कंपनी ने लॉन्च किया, 0.25% एवरेज फंड वैल्यू का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है और 1 फरवरी 2006 से लेके अब तक 6.66% का अप टू इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा है। लो रिस्क कैटेगरी का फंड है क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर यहाँ नहीं है। बात आती है इंडेक्स फंड की, 7 जनवरी 2010 को कंपनी ने लॉन्च किया, एवरेज सालाना फंड वैल्यू का 1.25% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है, 11.50% का 7 जनवरी 2010 से लेकर अब तक इसने रेट ऑफ रिटर्न दिया है। हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। बात आती है टॉप 300 फंड की, टॉप 300 फंड को कंपनी ने 7 जनवरी 2010 को ही लॉन्च किया था, यानी कि 7 जन 2010 में एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है, अप टू 12.59% यानी कि 12.59% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा है। हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। अब जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि टेलीग्राम चैनल पे इन फंड की इन्फॉर्मेशन की ऑलरेडी PDF अवेलेबल है। प्लान में आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिल जाता है जो कि अप टू 0.35% फंड वैल्यू का मिलता है। अब कौन सा फंड वैल्यू, जो कि मैच्योरिटी के टाइम पे जो लास्ट 24 मंथ होंगे उसमें जो फंड वैल्यू रहेगा उसका 0.35%। यूलिप प्लान के अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट फंड वैल्यू होता है, सेम यहाँ पे भी है, मैच्योरिटी बेनिफिट को आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। और आपको पता है कि यूलिप प्लान के अंदर जो डेथ बेनिफिट होते हैं या तो वो फंड वैल्यू होता है या सम अशोर्ड में से हम पार्शल विड्रॉल माइनस कर लेते हैं वो होता है, राइट, या टोटल पेड प्रीमियम का 105%, इन तीनों में से जो भी ज्यादा होता है वही होता है आपका रिस्क कवर। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे इसकी मिल पाई। बाकी आप ऑनलाइन अपने पॉलिसी नंबर से SBI की वेबसाइट पर लॉग इन करो, वहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके प्रोफाइल में ऑनलाइन। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते और यूलिप प्लान